दोस्तों नमस्कार, टीवी ऑन इंडिया के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुद्दा है गौठानों का जीआर और प्रकरणग्रस्तों का कितना फायदा कितना नुकसान, और इस मुद्दे पर खास तौर पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगरीकोली यूथ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और नवीनबई की समस्याओं को लेकर, प्रकरणग्रस्तों की खासकर समस्याओं को लेकर लंबे समय से स्टडी कर रहे नीलेश पाटिल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। सवाल की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि पहले 1971 में जीआर निकला कि प्रकरणग्रस्तों ने जो जमीन दी है उनके बदले जो उन्होंने गर्जे पोटी घर बनाया या जो गौठानों का विस्तार होना है, कुछ नहीं हुआ। 1971 के बाद 20 जनवरी 2010 को निकाला गया जीआर, उसके बावजूद भी आज तक कोई प्रॉपर समाधान नहीं हो सका। और अब महाविकास आघाड़ी सरकार ने अभी एक नया जीआर निकाला है 2022-25 फरवरी को। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक तरह का छलावा है या वाकई कुछ इसमें हकीकत है जिसके जरिए प्रकरणग्रस्तों का समाधान हो सकता है? सर, पहले तो हम महाविकास आघाड़ी सरकार के जो बैठे हुए सारे दिग्गज नेता हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि ये काफ़ी लंबे समय से ये अवेटेड ये जीआर है या अवेटेड डिसीजन है जो गवर्नमेंट की तरफ से लेने के लिए हम लोग काफ़ी उनके पीछे पड़े हुए थे, काफ़ी आंदोलन हुए हैं। हाँ, और ये कोई आज का इशू नहीं है, ये करीबन एक 40 मिनिमम 40 इयर्स ओल्ड ये इशू है। और इसमें जैसे 1971 की जो हम बात करें कि गौठानों को एक रिकग्नाइज करने की प्रोसेस ऑलरेडी बताई गई थी, वो हुई नहीं, ये प्रॉब्लम है। मतलब ये प्रशासन को ये चीज़ या एडमिनिस्ट्रेशन या सो कॉल्ड उस वक्त जो सिडको यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ अथॉरिटी करके जब यहाँ पे आई, तो एज पर MRTP एंड एज पर महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड उनकी जिम्मेदारी थी कि 3 साल के भीतर उन्हें यहाँ के जो प्रेजेंट गौठान्स हैं उनको डिमार्केट करना था। उनकी जितनी भी राइट यूजेस हैं अभी उस वक्त जो भी घर थे, फिर वो गौठान के अंदर हो या बाहर हो, उनको डिमार्केट करना उनकी जरूरत, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने वो करा नहीं, ना ये 94 में रेगुलराइज हुआ। फिर इसके ऊपर सर 2010 में एक बहुत बड़ा फर्स्ट टाइम एक फॉर्मल जीआर आया 2010 में, जो बेस्ड ऑन था 9949 का एक सिडको का बोर्ड रेजोल्यूशन है। हाँ, उस पे आधारित ये 2010 का जीआर आया, जिसने भी सेम कहा ये जो भी प्रकल्पग्रस्तों ने गर्जे पोटी या जो उन्होंने उनकी जो भी उनकी नेचुरल ग्रोथ होती है उसके मद्देनजर उन्होंने जो भी डेवलपमेंट्स कहीं करे हैं गौठान के आजू बाजू में, वो सब रेगुलराइज करो, ये 2010 में भी कहा। हाँ, उसका फॉर्मल जीआर था। वी आर सो हैप्पी एट दैट टाइम कि हमें लगा कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लोगों ने बैनर लगाया, सब लोगों ने बैनर लगाया, उस वक्त भी जो सत्ता में थे उन्होंने भी लगाया, जो विपक्ष में थे उन्होंने भी लगाया, और पीपल आर सो हैप्पी कि अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन सर 2010 से लेकर 2022 तक 12 साल निकल गए, एक घर उन्होंने रेगुलराइज नहीं करा। और इसी के चलते हमें भी ये दिक्कत समझ में आई थी कि ये इट्स नॉट सो इजी कि 4 लाइन का कोई जीआर निकालो और ये सॉल्व हो जाएगा। बट अलग अलग संगठनाएं उसके ऊपर काम कर रही थी, जैसे पहले शेतकरी संगठना थी इसके ऊपर काम, तो उन्होंने काम किया था। उसके बाद में कृति समिति करके एक संगठना वो काम कर रही थी। फिर 15 के बाद में थोड़ा हम लोगों ने इशू को थोड़ा कंट्रोल में लाना शुरू करा, और हमने पहली बार गवर्नमेंट को यह बताया कि ये 4 लाइन में सॉल्व नहीं होगा, इसके 3 हिस्से जरूरी है। इसके पहले हिस्से में जमीन जो लैंड है, लैंड को रेगुलराइज करो आप, वो कंस्ट्रक्टेड हाउस बाद में रेगुलराइज करो, पहले लैंड को रेगुलराइज करो, पहले ओनरशिप क्लियर हो, ओनरशिप क्लियर कर दीजिए, टाइटल हमें दे दीजिए, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं डेवलप्ड जो भी हाउस है फिर वो डेवलपमेंट को आप रेगुलराइज करो। और तीसरे हिस्से में हमने बात करी थी, काफी सारे पुराने हो चुके हैं घर, 25 साल 30 साल 40 साल हुए, वो डायलैपिटेड सिचुएशन में जर्जर जो हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, तो उनको गिरने का वो खतरा है। तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें रीडेवलपमेंट का आप एक ऑप्शन दीजिए। तो ये 3 हिस्से में हमने डिमांड करी थी जब हमने आंदोलन किया 2017 में, और उसका उसमें जो हमें एक लेटर दिया गया था उसका रिफ्लेक्शन भी आपको ये जीआर में दिखेगा। उसकी एक कंडीशन इस जीआर की वो भी है कि जो सर्वे करना है वगैरह, और उसी वक्त आया था वो चीज का। तो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये हम स्वागत कर रहे हैं, आघाड़ी सरकार का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारा ये कहना है कि इसमें काफी सारी चीजें इनकम्प्लीट है,
वो इनकम्प्लीट चीजों को जब तक ये कंप्लीट नहीं करें तो फिर वापस इसकी भी हालत 2010 की जैसे होगी। आपने आपने अच्छा जिक्र किया, जो बीजेपी के विधायक है मंदाताई मात्रे, उन्होंने उन्होंने भी फैसले का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने तमाम खामियां बताई उसमें। बराबर, उन्होंने जो खामियां बताई ये कि जो गौठानों में घरों का अगर रेगुलराइजेशन हो रहा है तो 250 स्क्वायर मीटर तक का हो रहा है, वो जो दायरा है उसका, जबकि उससे बियॉन्ड द लिमिटेशन जो घर बनाए गए हैं गौठान विस्तार, चूंकि इतने साल नहीं हुआ तो जैसे जैसे नेचुरल जरूरत पड़ी प्रकरणग्रस्तों ने बनाया हुआ, तो वो लिमिटेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने बात कही। और दूसरी चीज, जो गौठानों में कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट है, जिस दुकानें हैं, उनका इसमें कहीं भी जिक्र नहीं। आपने जो स्टडी किया इसमें किस तरह की खामियां आपको नजर आ रही है? जैसे आपने जो दो इश्यूज बताए यहाँ पे, तो जैसे सर ये जीआर इन टोटल टू हिस्सों में बना हुआ है। कि इसके मुख्य दो हिस्से हैं, एक हिस्से में है लैंड का नियमन, जैसे जमीन का नियमन, दूसरे हिस्से उसी के सब पार्ट में है बांधकाम का नियमन, और फिर जो सेकंड जो बड़ा पार्ट है उसमें है रीडेवलपमेंट। ऐसे टोटल दो प्रमुख हिस्से और कुल मिला के चार हिस्से इस जीआर के हैं। हर हिस्से में कहीं ना कहीं सर्टन चीजें मिसिंग है। अच्छा। हर हिस्से में हर चीज मिस हो रही है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है इसके पीछे का जो एक ग्रॉस रिकॉर्ड होता है वो फिलहाल जीआर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो ग्रॉस रिकॉर्ड को गाइडलाइन के तौर पे अगर हम लाते हैं तो ये जीआर में जितनी हम खामियां नहीं कहें, जो चीजें क्लियर मिसिंग दिख रही है, मिसिंग चीजें दिख रही है, हो सकती है वो गाइडलाइन में हो, वो गाइडलाइन आते ही हर चीज स्पष्ट होगी, ऐसा हमारा कहना है। एक सेकेंड, आपने जो कहा 250 सर स्क्वायर मीटर नहीं है, 250 मीटर है। अच्छा, मीटर, तो मीटर बिकॉज ये डिस्टेंस के लिए है। ओके, ठीक, ये एरिया के साइज के लिए नहीं है, ये डिस्टेंस है। तो इट इज 250 मीटर फ्रॉम दी 1970 की जो गौठान है वहां से लेके 250 मीटर के रेडियस में उन्होंने कहा ये गौठान हो गया। ये गौठान, जो गौठान मूल गौठान के 250 मीटर का जो रेडियस है वो विस्तारित गौठान उन्होंने कहा। विस्तारित गौठान, तो इन्होंने जब हम रेडियस की बात करते हैं हम लोग 360 डिग्री की बात करते हैं। बिल्कुल, कि गोल वो 360 डिग्री में हो गया, लेकिन प्रेजेंट गांव की ऐसी हालत है कि वो 360 डिग्री में वो डेवलप्ड ही नहीं हुआ, नहीं हुआ है। वो जैसे आप वाशी गांव का एग्जांपल लो, ये तीन जगह से लॉक है वाशी गांव, जैसे एक जगह में उसके हाईवे है वहां बढ़ नहीं सकता है, दूसरी जगह में उसकी खाड़ी है वहां बढ़ नहीं सकता, नहीं है। सकता तीसरी जगह तो ऐसे ट्राइंगल शेप में लॉक हो जाता है, तो वो एक ही हिस्से में बढ़ता है। बिल्कुल, तो जब एक हिस्से में बढ़ता है तो ऐसी सिचुएशन में वो 250 जो मीटर दिया है उसके बियॉन्ड जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन उसी वक्त उसमें एक उन्होंने और एक जिक्र किया है, वो जिक्र ये है कि जो 12.5% की जो स्कीम है, 12.5% की जो स्कीम है, उस स्कीम की अपनी एक उसका रेखांकन है या उसका एक मैपिंग है, उसका एक लैंड मैपिंग है। वो लैंड मैपिंग अगर 250 मीटर के बियॉन्ड है बट वो 12.5% स्कीम के लैंड मैपिंग के भीतर है, तो ऐसे घर भी ये रेगुलराइज है। तो इसके लिए काफी सारी जगहों पे ये जो 12.5% का स्कीम ये 300 मीटर 400 मीटर तक भी पहुंचा है। अच्छा। तो इसके लिए उसके अंदर भी काफी सारे घर नियमित हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी काफी सारे गांव एक अपना अपना एक हिस्टोरिकल या उसका जो भी एक जियोग्राफिकल उसका कंडीशन है वो हर किसी का डिफरेंट है। जैसे इसमें हमने लगभग सारे गांव का जब हमने चेक किया तो लगभग सारे गांव फिट हो रहे वो 12.5% की स्कीम की कंडीशन की वजह से। एक गांव बहुत बहुत स्ट्रांगली छूट रहा है। अच्छा। वो गांव है घनसोली। घनसोली गांव आपकी सबके लिए इसका एक बहुत हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है सर। घनसोली गांव अंग्रेजों के जमाने में जब काफी सारे क्रांतिकारियों की बैठक हुई या काफी सारी जो इसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है कि उसका सेंटर घनसोली गांव हुआ करता था। बिल्कुल, ये नवी मुंबई परिसर हिस्ट्री में भी हिस्ट्री में ये चीज है एंड उसकी वजह से एक बहुत बड़ा गांव है। ये गांव सर यहाँ का पंचक्रोश या तो जिसको आप आज के तारीख में ऐरोली विधानसभा क्षेत्र कहते हैं, ये सारे क्षेत्र का ये सेंटर मार्केट प्लेस हुआ करता था उस जमाने में। तो उसकी वजह से वहां के सारे ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे जो 50s 60s या उसके पहले के हैं, लेकिन ये कोई एक जगह पे जमा नहीं है, ये थोड़ा स्कैटर्ड वे में बढ़ा हुआ गांव है। एंड इसके सर काफी सारे जिसको हम आड़ी कहते हैं या वाड़ी कहते हैं, जैसे मल्टीपल हाउसेस का एक ग्रुप होता है, तो ये मल्टीपल हाउसेस के ग्रुप से बन के एक गांव बना है। ओके, तो इसको ये 250 मीटर या 12.5 के रेखांकन में फिट ही नहीं होता, फिट ही नहीं हो सकता, उसके बियॉन्ड वाला ये बड़ा सा गांव है। एंड 12.5 का रेखांकन भी इन्होंने कैसे प्लान किया, जहां पे इनको इजीली प्लॉटिंग देने के लिए जगह अवेलेबल है। अच्छा। वहां पे उन्होंने मार्किंग करते गए, जहां इजीली नहीं है उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, उसके छोड़ दिया। उसके चक्कर में एक यहाँ पे
शंकर बुआवाड़ी, अर्जुन बुआवाड़ी, ऐसे कुछ पुराने एरियाज हैं जो इस में से छूट गए, जो फॉर्मली तो घनसोली गांव का हिस्सा है। हाँ, हाँ, कभी आप घनसोली गांव में गए हैं और आपको अगर पुराना सदगुरु हॉस्पिटल बिल्कुल या ये जो वो जो जो ड्रेनेज के साइड में पूरा शंकर जिसमें आप हाँ मतलब आप अगर देखेंगे आप एक ब्रिज क्रॉस करके घनसोली में एंट्री करते हैं, तो जो ब्रिज क्रॉस करने के बाद घनसोली गांव शुरू होता है, आप किसी को भी पूछ लीजिए, तो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद करीबन 100 मीटर का हिस्सा है जो इस मैप में कवर नहीं हो रहा है, कवर नहीं है, तो उसमें उसके चलते काफी सारे प्रकल्पग्रस्तों के घर और काफी सारे बिगर प्रकल्पग्रस्त भले जो 50s में आए 60s में आए ऐसे नॉन गांव वाले भी ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जिनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए लेकिन वो इसमें से वंचित रह रहे हैं। तो हमारा कहना यही है कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी मैपिंग करे हैं तो हम ग्राउंड पे आके हमें देखना चाहिए कि गांव कहां तक बड़ा है और गांव का जो भी डेमोग्राफी है वो कैसी है, उस हिसाब से उसका नियमन जरूरी है, तो ऐसे छूटे हुए जो पार्ट है वो कवर हो जाए, ऐसा हमारा कहना है। आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट इशारा किया कि जो पार्ट छूटे हुए हैं गांव के उनको उसमें समाहित किया जाए, पर्टिकुलर जीआर में जो अभी फिलहाल तो मिसिंग है, उससे पहले ये जरूरी है अगर ग्राउंड रियलिटी चाहिए, अगर ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से अगर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो बन रही उसके हिसाब से अगर ये नियम जीआर जारी होता तो शायद इससे बेटर होता, और इसके लिए लंबे समय से सिटी सर्वेक्षण की मांग चल रही है। बराबर आपको लगता है कि अगर ये सिटी सर्वेक्षण के बाद ये अगर चीजें होती ये जो जीआर निकलता तो वो ज्यादा बेटर स्थिति में होता, या इसके बाद भी वो कमियां सिटी सर्वेक्षण से पूरी हो सकती हैं? हाँ, मतलब अभी कैसा है ना सर, हम लेफ्ट से जा रहे हैं या राइट से जा रहे हैं वो वाला हिसाब है, मतलब हम जब सिटी सर्वे में हमारे जो हाउस रेगुलराइजेशन वाला हमारा जो हमारा स्कीम है उसमें सिटी सर्वे पहले था। हाँ, और ये वाला पार्ट जो अभी जीआर ने दिया है वो सेकंड पार्ट में सेकंड था। हाँ, हाँ। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को की जगह सेकंड पार्ट को फर्स्ट कर दिया और ये सेकंड वाले फर्स्ट वाले को सेकंड में डाल दिया। ओके, तो हमारे लिए तो दोनों जीआर आज के तारीख में लागू है, जैसे हम सिटी सर्वे की जो बात कर रहे हैं वो 12 अगस्त 2009 में ऑलरेडी जीआर है, हमें यही कहना है कि भाई जीआर है, जीआर का एग्जीक्यूशन करो, हम नए जीआर की बात नहीं कर रहे। और अभी चलो उस वक्त हमें छोटा सा डर था कि सर ये सिटी सर्वे कर लेंगे तो सिटी सर्वे करने के बाद जो हमारे पास जो घर है उनको टीएलआर नंबर मिलता। अच्छा, लेकिन वो टीएलआर नंबर की ओनरशिप फॉर्मल रिकॉर्ड्स के हिसाब से सिडको के नाम पे चढ़ती। अच्छा, ओके, तो वो था हमारे प्लान में भी, वो हिस्सा था। अच्छा, कि सिटी सर्वे करो, टीएलआर नंबर गिरने दो उस पे, ओनरशिप सिडको के पास जाने दो, हम रेडी थे उसके लिए। फिर ये 9949 में से रेट दिया कि सिडको को कितना पैसा जमा करना है। ओके, हाँ। तो हमारा ये कहना था सिडको का नाम चढ़ गया, हमने सिडको को पैसा दे दिया, अभी सिडको का नाम हटाओ हमारा नाम डालो, हमारा बिल्कुल। तो हाँ। अभी ये जीआर क्या कर रहा है, ये जीआर बोल रहा है कि पहले लीज होल्ड पे उसको रेगुलराइज करो, तो हम आप सिडको को पैसा दो, पहले पैसा चाहिए इनको, तो हम रेडी है पैसा देने के लिए, पहले सिडको को पैसा देंगे, सिडको से हमारे नाम पे लीज होल्ड पे आएगा, फिर सिटी सर्वे अगर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे नाम पे चढ़ जाएगा, बिकॉज ये हिस्से की मिल्कियत वो अगले 60 साल के लिए हमारे पास ही है, भले कंडीशनल होगी लेकिन स्टिल ये सिटी सर्वे अगर होता है तो प्रॉपर्टी कार्ड हमें आज भी मिल सकता है, इसलिए हम उस चीज को बहुत विरोध नहीं कर रहे, हमें पता है कि ये ठीक है, एक से पहले दो करना है, दो के बाद एक करना है, कोई हर्ज नहीं, ठीक है, हमारी प्रोसीजर में हम लोग ओवरऑल होना वही है, चाहे पहले किया जाए या बाद में किया जाए, एक अच्छी पहल तो ये है कि कम से कम ये डिक्लेयर हो गया कि ये भी जमीन, ये जो घर है रेगुलर होंगे, जो गौठानों में दुकानें हैं उनको कैसे रेगुलराइज किया जाएगा, क्योंकि इस जीआर में उसका जिक्र नहीं है। सर इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन भी होता है लोगों का, लोग काफी बार आप नॉर्मल सुनेंगे व्यवसायिक प्रयोजन और रहिवास प्रयोजन, ऐसा एक मिक्स सब्जेक्ट आता है, लेकिन व्यवसायिक प्रयोजन ऐसा कोई वर्ड नहीं है, फॉर्मल वर्ड है आइदर रेसिडेंशियल और कमर्शियल, इंग्लिश में अगर बात करें, और मराठी में अगर बात करें तो ये रहिवास प्रयोजनार्थ या वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ, ऐसे दो इसके वर्ड होते हैं। तो इसमें हमारी जो जमीन है ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही है। अच्छा, जैसे हर जैसे हमारे 12.5% स्कीम ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही है, लेकिन जब आप इसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी करते हो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में और नीचे आप कुछ दुकानें निकालते हो जो कि आपको परमिसिबल है, जैसे 12.5% में 15% परमिसिबल है, जो परमिसिबल पार्ट होता है वो परमिसिबल होता है, वो शॉप है इसके लिए वो प्रोजेक्ट या वो जो लैंड है वो कमर्शियल नहीं हो जाती, वो रेसिडेंशियल ही रहती है। तो
यहाँ पे लैंड लैंड है वो रेसिडेंशियल ही है भले उसके ऊपर दुकान है, तो भाड़े पट्टा तो होना है सीधे सीधे उस चीज का। एक सेकंड जिनको लग रहा है कि जैसे दो तरीके के लोग शायद दिखेंगे आपको, कि एक होगा जिसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ही पार्ट है और उसने दुकान बना के रखा है, तो हो सकता है उसे वो टेम्पररी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेसिडेंशियल में ताकि वो रेसिडेंस मार्क होगा, और वो रेसिडेंस मार्क होगा तो लैंड का भाड़े पट्टा उसके नाम से होगा। तो ये एक हो गया। सेकंड है कुछ ऐसे दिखेंगे जिनकी बिल्डिंग है G+2 G+3 की, तो G+2 या 3 की बिल्डिंग है नीचे अगर उन्होंने गाले निकाले हुए हैं तो वो बिल्डिंग रेसिडेंशियल ही है तो उसके लिए उसका भाड़े पट्टा करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए हम लोग लीगल फाइट कर सकते हैं। सेकंड लैंड का भाड़े पट्टा होना एक चीज अलग हो गई और उसका रेगुलराइजेशन अलग हो गया। अभी रेगुलराइजेशन वाले पार्ट में ये परमिसिबल में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है हमें देखना पड़ेगा। जैसे वो जो परमिसिबल में 15% सपोज फिट आउट है तो उन्होंने 4 गाले बनाए हैं ऊपर 3 माले में रेसिडेंशियल है, तो जब ये पूरा आएगा परमिसिबल का कैलकुलेशन करेंगे पता चलेगा कि भाई परमिसिबल में 4 गाले नहीं बैठ रहे, दो ही बैठ रहे हैं। तो दो गाले हो सकते हैं और जो दो गाले उनको रेसिडेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए नुकसान कुछ नहीं होना है, वो बिल्डिंग जो है वो रेगुलराइज होनी है और लोग उसको, मुझे लगता है चीज लोगों को समझ में आएगी और धीरे धीरे हम हर गाँव में जाके ये चीज एक्सप्लेन करेंगे, जिसके चलते पहले भाड़े पट्टा लो रेसिडेंस, तो रेसिडेंस हम पहले भाड़े पट्टा लेंगे ताकि जमीन हमारे नाम पे हो, और फिर जो गालों का रेगुलराइजेशन करना है वो जब रेगुलेशन की पॉलिसी डिक्लेयर क्लियर हो जाएगी उसमें उसके बाद अगर 12.5% में 15% अलाउड है तो यहाँ पे भी अलाउड होना चाहिए ऐसा हमारा सीधा सीधा मानना है। इसकी मांग भी चल रही है। तो इसके चलते ये क्लियर हो जाएगा और जिनके गाले भी है वो भी हम उसको इस हिसाब से मतलब रेसिडेंशियल प्लान करके उसको रेगुलराइज करके भाड़े पट्टा हम उनके नाम पे दिलवा सकेंगे। आपको सिडको पर कितना भरोसा लग रहा है, क्योंकि सिडको के माध्यम से ये सारी चीजें होने वाली थी। अब तक अगर ऑफिशियली देखा है तो 3 GR तो सामने दिख रहे हैं, बराबर है। उसके अलावा गाइडलाइंस जो सिडको के डायरेक्टिव से उसमें भी क्लियरली रिजर्वेशन बोर्ड ऑफ रिजर्वेशन में भी ये लिखा हुआ था कि ये 3 साल के भीतर करना है। सही है, 3 साल की बजाय 35 साल हो गए हैं जो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। सही बात, अब कितना भरोसा लग रहा है कि सिडको इसे करेगी? सर हमें आप सिडको के ऊपर कितना भरोसा ये बात करें तो हम कहेंगे हमें शायद 0% भी ज्यादा हो जाएगा, हम लोग माइनस में सिडको पे भरोसा करते हैं। इसके लिए ही हम क्लस्टर का विरोध कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि हमें सिडको पे भरोसा ही नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जमीन का टाइटल जब क्लियर हो जाएगा तो हमारे पास एक लैंड ओनरशिप आएगी। बिल्कुल। तो सिडको हो, गवर्नमेंट हो, कोई बिल्डर हो या कोई नेता हो, कोई भी हमें फंसा नहीं पाएगा। कम से कम मेरे पास लैंड की ओनरशिप आ जाती है तो मेरे पास एक कोर्ट का, मेरे पास एक ऑप्शन खुल जाता है जो मैं अपना, अगर कोई मुझे, मेरे साथ कोई चीटिंग कर रहा है तो आई कैन, मैं उसके सामने जाके कोर्ट में जाके मैं अपना डिफेंड कर सकता हूँ। इसके लिए इसमें सिडको का बहुत बड़ा रोल नहीं है। सिडको पैसा लेगी और हमारे नाम पे लीज डीड करेगी, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि नॉट ओनली सिडको, इसमें अगर आप इसके सेकंड पार्ट में अगर बात करें तो इसमें रायगढ़ कलेक्टर, थाने कलेक्टर, रायगढ़ कलेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया है। उसके बाद में आप उसके नीचे वाला पॉइंट पढ़ेंगे रेट के बाद वाला, तो उसमें जो रेगुलराइजेशन की जिम्मेदारी दी गई है वो सिडको पे नहीं दी गई है। मतलब वो ऑफकोर्स अलग अलग, ये 95 विलेजेस का है, तो 95 विलेजेस में हमारे NMMC एरिया में 29 विलेजेस आती है, देन बैलेंस जो है वो कुछ पनवेल PMC में आ जाती है, पनवेल म्युनिसिपल एरिया में, और कुछ एरियाज जो है वो छूटे हुए, वो ग्रामीण एरिया पनवेल के और उरण के, तो उसमें सिडको अथॉरिटी है आज के तारीख में। तो जो भी अथॉरिटीज है MRTP के उनको नियमित करना है। अगर हम NMMC एरिया की बात करें तो ये जिम्मेदारी NMMC के ऊपर, महानगर, तो फिर यहाँ पे NMMC इन्वॉल्व है, यहाँ पे थाना कलेक्टर इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिडको इन्वॉल्व है, ये तीनों इतने उलझे हुए रहते हैं कि कोई काम नहीं करता। मतलब उसके चक्कर में हम ये चाह रहे हैं कि इसकी गाइडलाइन स्पष्ट हो, जिससे सिडको को क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए, कलेक्टर को क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए, NMMC को क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए। पहले कौन काम करेगा, दूसरा कौन करेगा, तीसरा कौन करेगा, बिकॉज ये टेबल पे एडमिनिस्ट्रेशन है। हम जो भी कोई काम करते हैं हमें पता है कि 10 टेबल से ये मूव होनी है, तो हमें अगर पता है कि कौन से टेबल पे अटकी है तो वहां से धक्का मार के दूसरे टेबल पे लिया जा सकता है। इसके लिए उसकी क्लैरिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो गाइडलाइन के तौर पर। एक बात हमेशा देखने के लिए मिली कि मुंबई का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा है यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर या प्रकरणग्रस्तों की समस्याओं के समाधान को लेकर, वो यही रहा है कि यहाँ मल्टीपल प्राधिकरण रहे हैं, मल्टीपल अथॉरिटी रही है। यहाँ पर MIDC भी है, MMRDA भी है, महानगर पालिका भी है, कलेक्टर भी है, सिडको भी है। सही है। तो तमाम प्राधिकरणों की वजह से ये जो मसले हैं आज तक उलझे हुए हैं। अब एक बार फिर जब ये हम मान के चल रहे हैं कि ये अंतिम GR है, इसके बाद दूसरे GR की जरूरत प्रकरणग्रस्तों को नहीं पड़ेगी, अगर हम ये विश्वास करके भी चले
तो आपको क्या लग रहा है कि महानगर पालिका को इसमें किस तरह की पहल करनी चाहिए प्राथमिक तौर पर, क्योंकि अब जीआर तो निकल गया है और प्रिंसिपल जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है या इसको एग्जीक्यूट करने वाली है वो महानगर पालिका है, तो किस तरह का आप सुझाव उसे देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे महानगर पालिका की भूमिका को लेकर? मैं सिर्फ महानगर पालिका की भूमिका की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे क्या है कि हर किसी के अपने अपने इंडिपेंडेंट राइट्स है, मतलब हर किसी की, जैसे हम जिसको कार्य कक्षा कहते हैं या काम करने की जिम्मेदारी हम अगर बात करें तो सिडको की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स दोनों हैं एज अ सिडको अथॉरिटी। थाना कलेक्टर की उनके खुद के कुछ राइट्स हैं एंड उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और महानगर पालिका जो है हमारे यहाँ की उनके कुछ राइट्स हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये तीनों प्राधिकरण काफी बार एक दूसरे के साथ उलझे हुए रहते हैं। इसमें भी इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनकी सीनियर जूनियरिटी होती है, जैसे सिडको का एमडी हमेशा थाना कलेक्टर और यहाँ का एनएमसी का कमिश्नर इनसे हमेशा सीनियर रहा है, उसके सीनियरिटी के चक्कर में सिडको हमेशा भले उसके पास राइट्स नहीं है स्टिल वो डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एनएमसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि भाई आपके पास राइट भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ आप जूनियर ऑफिसर हो उसके चक्कर पे वो राइट एग्जीक्यूट नहीं करता। तो ये इसमें क्या हो गया, एक लाइक ये एक आप समझो कि एक फैमिली है, फैमिली में तीन भाई हैं, तीन भाई अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन ये तीनों भाई अपने अपने ईगो को लेके एक दूसरे के साथ हमेशा उलझे हुए रहते हैं। तो जिम्मेदारी होती है कि उस घर में अगर पिता है तो पिता के सामने तो सब छोटे हैं, बिल्कुल, तो पिता को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा और एक मध्यस्थ की भूमिका में उन्हें बताना पड़ेगा भाई बड़े तेरी ये जिम्मेदारी और ये तेरे को करना है, छोटे तेरी ये जिम्मेदारी ये करना है, मझले तेरी ये जिम्मेदारी ये तुझे करना है। तो ये जो पिता की भूमिका है ये नगर विकास विभाग को यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, और उसके चलते नगर विकास विभाग को एक गाइडलाइन की बहुत जरूरत है कि भाई गाइडलाइन दो। ये सर कोई भी, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि 52 ए करके एक बीच में रेगुलेशन पास हुआ था 52 का बीजेपी की गवर्नमेंट में 2017 में, तो सर वो एक पेज का था। अच्छा। वो जीआर एक पेज का था, जीआर ही नहीं वो एक्ट था और ओनली वन पेज का था। अच्छा। जो उन्होंने ऑर्डिनेंस लाके वो एक्ट विधिमंडल में पास किया था, वन पेज का एक्ट, लेकिन वो वन पेज के एक्ट की जो गाइडलाइन थी जो उन्होंने रूल्स के तौर पे उसको उन्होंने इशू किया, चार महीने बाद इशू किया, अक्टूबर में, मार्च में ये लेके आए 31 मार्च को, और उन्होंने मिड ऑफ अक्टूबर में उसका गाइडलाइन इशू किया, 28 पेज का था सर वो। अच्छा। मतलब एक पेज का एक्ट गाइडलाइन 28 पेज। तो ये भी आप समझिए ये निर्णय एक्ट की तरह एक जीआर है, बिल्कुल, जो एक बता रहा है कि ये चीज हमें करनी है, लेकिन कैसे करनी है, किसको करनी है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं, तो मतलब आपकी डिमांड ये है कि इसके लिए तत्काल गाइडलाइन जो जारी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर जीआर को लेकर, ताकि जो प्रोविजंस किए गए हैं उसकी स्पष्टता जो है सामने लोगों के आ जाए। यस यस। और एक सर चीज छूट गई थी, हम जब इसकी बात कर रहे थे कि लैंड की बात कर रहे थे कि 250 मीटर वगैरह, इसमें एक चीज गौठान की डेफिनेशन को लेके छूटी है। अच्छा। एक 1971 का सर जीआर मैंने आपको दिया है, वो जीआर में ये कहा गया है कि जब यहाँ पे लैंड एक्विजिशन हो रहा था 70s में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जीआर पास किया उस वक्त, और ये कहा गया कि एक तो सारे गौठानों को मैप आउट करो जो 70s के हैं, जो एग्जिस्टिंग मैप्स में अवेलेबल है। अच्छा। दो वो 1930 के मैप्स है, स्टिल महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वो ऑफिशियल मैप होने की वजह से उन्होंने बोला कि वो मैपिंग करो ताकि वो एक्वायर्ड नहीं करने, उसके बाहर की चीजों को एक्वायर्ड करना। अच्छा, ओके। उन्होंने उसी जीआर में एक पॉइंट में ये कहा कि जहां गौठान का मैपिंग नहीं है, कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां पे मैपिंग नहीं है, ऐसी 10 अगर हाउस होल्ड है या 10 घर है, 10 घरों का अगर वो एक बस्ती है, 10 घरों की मिला के, ऐसे बस्ती को गौठान का दर्जा दो, ऐसा उस जीआर में कहा। अच्छा, ओके। और उसको गौठान का दर्जा देके उसका गौठान का मैपिंग करने के इंस्ट्रक्शन उस जीआर में दिए गए हैं। ऐसी बस्तियां पे एक तो इन्होंने मेन गौठानों को कभी ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे बस्तियों के ऊपर ध्यान देना तो दूर की बात है, बिल्कुल उपेक्षित रह गए, उपेक्षित रहे। ऐसी सर काफी सारी है, जैसे कोपरखेरना स्टेशन के पास में जहाँ पारसिक बैंक है, उसके बाजू में एक 10 से 12 घरों का एक हेलमेट अम्बोक कहते हैं एक समूह जैसे एक बस्ती है, तो ये 70s से है। अच्छा। तो ऐसी वो वहां पे है, कुछ कोपरखेरना में सेक्टर 1 के पास में है, कुछ घनसोली में है, कुछ ऐरोली के पास में है, बिकॉज लोग वहां पे क्या था, उनकी खेती बड़ी दूर दूर हुआ करती थी। हाँ, तो वहीं पे उन्होंने घर बनाया, उनके घर खेती के पास में, फिर हुए 10-12 फैमिलीज का मिला के एक समूह बना के रहते थे। हाँ। तो लेकिन वो फॉर्मली गौठान के मैप पे नहीं थे। अच्छा। तो उनको गौठान का दर्जा तो ऐसा 71 में कहा है, तो हम इसमें भी जो 200 मीटर की गौठान से हद ये लोग कहते हैं, हम कह रहे हैं कि वो ऐसी बस्तियां जो
70s में थी उनके रिकॉर्ड मिलेंगे, उनके पास रिकॉर्ड होंगे, वो रिकॉर्ड को अगर हम मैपिंग कर लेवे आज तो वहां से भी हम लोग ये 250 मीटर जो है ये हम लोग खींच सकते हैं। तो काफी सारे उसके आजू बाजू में जो लोग बड़े हैं वो भी कवर हो जाए, वो भी कवर हो जाए, ताकि ये ऐसा थोड़ा एक हम लोगों ने हमारे इसमें कहने की कोशिश करी है। मैं आपसे गाइडलाइन की बात कर रहा था, गाइडलाइन किस तरह की होनी चाहिए कि ताकि सारे उसमें सब्जेक्ट और प्रोविजंस आ जाएं और उसके माध्यम से एक एक तरह का संविधान ही तैयार हो जाए कि प्रकरणग्रस्तों को न्याय कैसे देना है, क्योंकि ये मामला सिर्फ नवी मुंबई का नहीं है, ये 95 गांवों का मामला है और उसमें लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीनें सरकार को दी ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। बराबर, तो ऐसे में गाइडलाइन किस तरह की आप डिमांड कर रहे हैं? सर, इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें इस गाइडलाइन का हिस्सा होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें तो हमें पहले डेमोग्राफिकली ये जीआर को बांटना पड़ेगा 3-4 हिस्से में, और उसके लिए इनको सब गाइडलाइंस लानी पड़ेगी हर हिस्से के अलग, हर हिस्से के लिए। जैसे एनएमसी एरिया के लिए इनको एक सेपरेट गाइडलाइन की जरूरत है, इनको पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के लिए सेपरेट गाइडलाइन की जरूरत है, इनको जो ग्रामीण क्षेत्र है जो पनवेल तहसील में भी आते हैं और उरण तहसील में भी आते हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों को उनको रेगुलराइज करने के लिए अलग से जरूरत है। तो ये तीनों की डेमोग्राफी डिफरेंट है, ये ग्रामीण में सिडको एज अथॉरिटी है, पनवेल हो या उरण हो, तो ये तीनों की डेमोग्राफी अलग है, इनके पीछे जो अथॉरिटीज है वो डिफरेंट है, इसके लिए 3 सब गाइडलाइंस की जरूरत है। ये एक हिस्सा हो गया। अभी हम बात करते हैं कि एनएमसी के लिए गाइडलाइन अगर हम लोग एनएमसी एरिया के लिए डिमांड करें, एनएमसी एरिया और पनवेल एरिया शायद कॉमन हो जाएगा, एक जैसा हो सकता है, तो उसमें हमें ये कहना है कि इसमें जैसे हमने कहा कि एक टोटल मिला के 4 हिस्से हैं और उसके उसके सब डिविजन्स हैं वो अलग बात है, लेकिन ये हर हिस्से पे उस पे जो एक्सप्लेनेशन है उस गाइडलाइन में आना चाहिए। जैसे हम लोग अगर वन बाय वन बात करें तो जैसे पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट में दिया गया है कि ये 1970 की जो लैंड है गावठान है वहां से 250 मीटर या जहां से उन्होंने कहा है कि ये 12.5% का रेखांकन जो उन्होंने मार्क करा है, तो उन्होंने पहले गावठान क्या वो डिफाइन करना चाहिए, रेखांकन कैसे कहां तक कहां से कहां तक पहुंचेगा ये डिफाइन करना चाहिए। जैसे हमने कहा कि जो छूटे हुए होल्डिंग्स है जो बस्तियां थी वो बस्तियों को अगर हमें कवर करना है तो उसकी क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, तो ये जमीन वाला पार्ट में ये चीज हो जावे फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट में उन्होंने ये कहा रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं, तो सर्वेक्षण कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगी सर्वेक्षण की, कौन करेगा, जैसे कलेक्टर करेगा, भूमि अभिलेख करेगा, लेकिन वो कौन सी प्रोसीजर के तहत करेगा, कौन सा एक्ट के तहत करेगा, फिर वो कैसे करेगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वो डिक्लेरेशन कैसे देगा, फिर लोगों को नोटिस कैसे देगा, फिर लोगों को वहां पे क्या चीजें लेके खड़ा रहना है ताकि उनको उसमें सहूलियत हो जाए, काम फास्ट हो जाए, काम फास्ट, तो वो सर्वेक्षण के क्या उनके नियमावली है या उनकी जो गाइडलाइन फॉर दी सर्वे, ये उनको सेपरेटली उस गाइडलाइन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तीसरा पार्ट उन्होंने दिया है रेट के बारे में, तो रेट के बारे में ये लोग रिजर्व प्राइस की बात करते हैं, तो रिजर्व प्राइस की बात करते हैं तो जैसे हम जीआरएस की बात करें तो ये नॉर्मल जीआर नहीं है, जीआर करीबन 2-3 तरह के होते हैं। एक जीआर होता है जो मंत्रिमंडल के पास अथॉरिटी होती है, वो कोई डिसीजन लेते हैं जीआर में कन्वर्ट हो जाता है कैबिनेट डिसीजन, कैबिनेट डिसीजन से। एक होता है विधिमंडल में कोई इशू आता है उसका एक्ट बन जाता है, उसका जीआर बन जाता है, और एक होता है कि ये जैसे गवर्नमेंट की ये बॉडीज हैं, जैसे सिडको इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, तो सिडको को डे टू डे काम करने के लिए सिडको का बोर्ड रेजोल्यूशन होता है जिसके चलते सिडको काम करती है। जैसे उसमें कुछ राइट्स एमडी को दिए हैं, कुछ राइट्स वो संचालक मंडल दूसरे दूसरे ऑफिसर्स को देता है, तो वो एक अपना काम करते रहते हैं, लेकिन ये सिडको को भी कोई ऐसा काम करना होता है जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता या जो उसके पावर में नहीं आता, उसके पास कम पावर होते हैं उसके लिए, तो उसके गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। तो ये सिडको के ही अंतर्गत आने वाला ये इशू है गर्जेपोटी का, तो उसकी वजह से सिडको ने एक ठराव किया, बोर्ड रेजोल्यूशन किया और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने तो सर यहाँ पे सिडको ने अपना एक ठराव किया है, हमारा ये जो जीआर है वो ये वाले हिस्से में आता है, सिडको वाले हिस्से में आता है, जिसके लिए ऑटोमेटिक जीआर नहीं होता है, सबसे पहले ठराव करना पड़ता है, लाइक बोर्ड रेजोल्यूशन लेना पड़ता है सिडको को, वो बोर्ड रेजोल्यूशन गवर्नमेंट की परमिशन के लिए नगर विकास के पास भेजना पड़ता है एंड नगर विकास की मिनिस्ट्री उसके ऊपर डिसीजन देती है।
तो यहाँ पे हमारे पास वही हुआ है, नगर विकास ने डिसीजन दिया, तो उसके पीछे का जेआर कौन सा है वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा। हम लोगों ने हमारे एंड पे सर्चिंग करी तो हमें पता चला ये 2010 का एक्सटेंशन है, जैसे 2010 का जीआर है उसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है, एंड देन फिर 2010 जो है वो 9949 पे डिपेंडेंट है, उसका बेस 9949 है, तो वो गाइडलाइन में आना चाहिए भाई ये रिजर्व प्राइस 9949 से लिए है तो ये रेट ये है, ये रेट 100 मीटर के लिए ये, 200 मीटर के लिए ये, 500 मीटर के लिए ये, स्पेसिफिकली उसमें मार्किंग कर ले ये लोग, और ये कैसे भरना है, किसको भरना है, किसके पास चलान जमा करना है, सिडको के पास करना है, कलेक्टर के पास करना है, गवर्नमेंट के पास करना है, तो ये सारी चीजें उसमें मार्क हो जावे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा भाई ये पैसा, ये सर्वे हो गया, ये पैसा भर दिया और फिर ये एंड में लीज डीड हमारे हाथ में आ गई, तो ये पार्ट ये इनिशियली इसमें कवर हो जाएगा, ये हो गया लैंड तक का सर। फिर उसके आखिरी हिस्से में, फर्स्ट पार्ट के आखिरी हिस्से में दिया है कि रेगुलराइजेशन करने की जो अथॉरिटी है वो जो उस एरिया की जो MRTP अथॉरिटी, जैसे यहाँ पे NMC पनवेल में PMC और बाकी जो उरण पनवेल का एरिया छूटा है उसमें सिडको, तो ये MRTP अथॉरिटीज है। तो ये MRTP अथॉरिटीज कैसे काम करेगी, क्या उनके निकष होंगे, क्या उनकी जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होंगे, कितनी लैंड होनी चाहिए, क्या ओपन स्पेसेस होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना FSI कंज्यूम होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें उसका एक सेपरेट गाइडलाइन, मतलब समझिए हर पॉइंट को एक अपने गाइडलाइन की जरूरत है। तो ये सारी चीजें उस गाइडलाइन का हिस्सा बने जिससे हमारी लैंड भी रेगुलराइज हो गई, हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो भी रेगुलराइज हो गया, फिर हम रीडेवलपमेंट के बारे में आते हैं जो फिर वो दूसरे बड़े हिस्से का भाग है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसमें हम पढ़ेंगे तो सर हम जब भी डिमांड कर रहे थे कि हमें रेगुलराइज करो और उसमें हम कहते थे कि प्रकल्प ग्रस्तों के कंस्ट्रक्शन रेगुलराइज जरूर करो, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत बड़ा घटक है जो छूट रहा था, वो है बिगर प्रकल्पग्रस्त, जो जैसे मैंने कहा कुछ लोग 70s से पहले आए हुए हैं, 60s से पहले आए हुए हैं, बिकॉज यहाँ MIDC एरिया डेवलप हो रहा था, लोग दूर दूर से आके यहाँ पे बस रहे, तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे किसी से एक आधा घंटा जमीन ली, एक घंटा जमीन ली और उन्होंने घर बनाया और पिछले 50 साल से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका क्या होगा, भले वो प्रकल्पग्रस्त नहीं है लेकिन वो यहीं पे रह रहे हैं, हमारे साथ वो छोटे से बड़े हुए, आज उनके बच्चे हमारे साथ खेलते खेलते या हमारे साथ पढ़ते पढ़ते बड़े हुए, तो हम उनको भी गांव वाला ही समझते हैं लेकिन वो डेफिनेशन में बैठेंगे नहीं, तो उनके लिए क्या। उसके बाद में काफी सारे लोग पिछले 10 साल तक आ रहे थे यहाँ पे, जो गवर्नमेंट की अनदेखी की वजह से यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुई उन डेवलपमेंट में काफी सारे गरीब तबके के ऐसे लोग थे जो 50 लाख का फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन उनको वो 10 लाख 15 लाख में जो फ्लैट मिलता है तो वो ले रहे हैं, वो रह रहे हैं, और हर किसी को घर देना हमारी गवर्नमेंट की भी ये रही है कि जो हमारी जो कहते हैं कि इनिशिएटिव रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे जो बिगर प्रकल्पग्रस्त घटक है इनको भी कुछ एक स्कीम के तहत उनको इसमें इंक्लूड कराइए, उनके जो सर पे जो छत है वो आप छीनिए मत, उनके सर पे छत आप दीजिए, ये हमारा कहना, हमारे जो भी फॉर्मल निवेदन गए उसमें हमेशा रहा है। अच्छा। और ये वाले जीआर में उस चीज के बारे में भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसके लिए फिर हम महा विकास आघाड़ी सरकार का थैंकफुल है उनके लिए। उसमें सर प्रकल्प ग्रस्तों को इन्होंने क्लस्टर से बाहर कर दिया, जैसे हमारी एक वो बहुत बड़ी डिमांड भी थी कि हमें क्लस्टर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ, इसका विरोध भी हुआ था, हम स्ट्रॉन्गली कर रहे थे, हाँ, हाँ। तो उन्होंने क्या किया, क्लस्टर स्कीम को रखा, वो क्लस्टर स्कीम में से प्रकल्पग्रस्तों को बाहर कर दिया, हालांकि प्रकल्पग्रस्तों को ये स्कीम अप्लीकेबल नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा उन्होंने कहा, तो हम भी खुश हो गए कि प्रकल्पग्रस्त व्यतिरिक्त करके उन्होंने स्पेसिफिकली जोड़ा, इसका मतलब ये हो गया कि जो अदर है प्रकल्पग्रस्तों के अलावा जो लोग यहाँ बसे हैं उन्हें क्लस्टर स्कीम के तहत रेगुलराइज करने का उनका मानस है, तो हम भी उनकी भी वही इच्छा थी, बिकॉज वो कहते थे हमें हमारी जितनी जगह है, हाँ, मेरा फ्लैट है तो उतना मिल जाए मुझे काफी है, जबकि भूमि पुत्र ये कह रहे थे कि भाई ये जमीन ही मेरी है, घर मेरा है, आंगन के साथ मेरा है, तो ये थोड़ा डिफरेंस ये था, तो उन्होंने उनको कवर किया, सो वी आर हैप्पी विद इट। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रकल्पग्रस्तों को स्वयं विकास का ऑप्शन है और चाहे तो वो क्लस्टर में जा सकते हैं, उन्होंने ऑप्शनल रखा हुआ, ऑप्शनल रखा हुआ, उसका भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें भी एक छोटी सी चीज उन्होंने मिस आउट हुई है, करी है, या कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि काफी बार नेता बहुत पॉजिटिव होता है लेकिन नीचे जो प्रशासन काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी है ना, वो कहीं कुछ ना कुछ वहां पे नटखट की तरह कुछ गड़बड़ करती है, ये कई बार देख रहे, हाँ, तो उसमें जो ये आ वाला पॉइंट में जब हमें सब पढ़ रहे थे अच्छा लग रहा था, लेकिन वहां पे एक छोटी सी लाइन डाल दी उन्होंने कि जिनके बांधकाम नियमित होंगे ऐसे भूखंड
रीडेवलपमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, तो हम फिर से कंफ्यूज हो गए, बिकॉज हमें ये पता है कि हमारी जमीन तो नियमित हो जाएगी लेकिन हमारा बांधकाम नियमित होना सबके लिए शायद पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ एमआरटीपी अपने आप तो कोई नियमित करेगा नहीं। एमआरटीपी एप्लीकेबल है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, यूडीसीपीआर है, काफी सारे नियम है जिनके अंदर इसको फिट आउट करना है। बिल्कुल, तो हमें यह पता था कि भाई चलो बांधकाम अगर छूट भी जावे जमीन तो मिले, जमीन मिलने के बाद में हम उसको फिर से बनाएंगे ना, रीडेवलपमेंट की बात करेंगे। और अभी हम जब जमीन का टाइटल मेरे पास है तो मैं पूरा परमिशन लेके बनाऊंगा, मैं सारी चीजें जो बराबर होनी चाहिए सब करूंगा, तो मुझे उसके लिए उसको बनाना पड़ेगा ना, और बनाने का मौका देना पड़ेगा। तो ये हाँ वाले पॉइंट में ये मौका हमसे छीन लिया ऐसा हमें दिख रहा है। अच्छा, तो वो चक्कर में फिर ये क्या है, ये गाजर जैसी चीज हो गई, ये देना भी है और नहीं भी देना है। मैं इसी सवाल पर एक्चुअली आना चाहता था, आपने खुद भी जिक्र कर दिया कि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये 2010 के जीआर से 2022 के जीआर में कोई बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसको नए तरीके से लाकर घोषणा की गई है। तो क्या ये वाकई ये चुनावों को लेकर एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि उसका कारण मैं आपसे जानना चाहता हूं। एयरपोर्ट नामांतरण आंदोलन को लेकर शिवसेना और खासकर एकनाथ शिंदे प्रकल्पग्रस्तों के निशाने पर थे, और ये पूरा का पूरा जीआर जो है ये प्रकल्पग्रस्तों को के लिए ही जारी किया गया है। तो क्या आपको नहीं लगता एज ए इंटेलेक्चुअल कि जो नाराजगी थी प्रकल्पग्रस्तों की, कहीं उस नाराजगी को दूर करने के लिए ये तरह का जो पिछला ही जीआर उठा कर रख दिया, भाई खुश रहो, कोई टेंशन नहीं है, अभी हम आपके विरोध में नहीं, हम आपके हित के लिए काम कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया सर? हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि क्या ये डैमेज कंट्रोल है? हाँ, तो हम जो हमारा मानना है कि हाँ ये डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ की जो शिवसेना के खिलाफ जो एक बहुत जरूरी, बिकॉज शिवसेना को मानने वाला एक बहुत बड़ा है प्रकल्पग्रस्तों में, और कहीं ना कहीं ये प्रकल्पग्रस्त उससे आहत हुए हैं। ये उसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो नामांतर का जो या नामकरण का जो हमारी लड़ाई है, आंदोलन है, वो फिनिश नहीं हो रही है, वो हमारी मांग अभी भी जारी है। लेकिन कुछ हद तक कहीं ना कहीं जो छवि खराब हो गई थी शिवसेना की, वो अभी जब ये सारे इलेक्शन सर पे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये इसका फटका इलेक्शन है इनको पड़ने वाला था, तो कहीं ना कहीं उसको संभालने के लिए वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश ये जीआर के तहत की है। ये तो सौ आने खड़ी चीज है, मतलब उस पर कोई डिनाई नहीं करेगा, ना वो करेंगे ना हम करेंगे। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि ये क्या ये सिर्फ छलावा तो नहीं है, जैसे आपने कहा कि ये तो 2010 में और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल, बात तो सही है, काफी ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बीच में काफी सारी चीजें जो मिक्स करी गई वो क्लस्टर स्कीम के चलते, उसके चलते ये सब मिक्स चीज को थोड़ा अलग अलग करना बहुत जरूरी था, ताकि ये सोल्यूशन की तरफ निकले। अभी तक वो सोल्यूशन की तरफ निकलने की पोजीशन में ही नहीं था, जबकि आज का ये जीआर सर जो है वो ऑफकोर्स सोल्यूशन की तरफ जाने लायक है, एक रास्ता दिख रहा है। हम यही कहेंगे उसमें गैप्स हैं, वो गैप्स को अगर ये गाइडलाइन लाते हैं, जैसे मैंने कहा लैंड रेगुलराइजेशन में क्या गैप है वो कवर कर लो, बिल्डिंग रेगुलरेशन में जो गैप है वो कवर कर लो, रेट के लिए जो गैप है वो कवर कर लो, रीडेवलपमेंट में जो गैप है वो कवर कर लो, बिगर प्रकल्पग्रस्तों की चीजें उन्होंने क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं करा है, उनके बारे में क्या पॉलिसी इसमें, उनको तो आपने इंक्लूड तो कर लिया लेकिन कैसे करेंगे कौन उसमें एलिजिबल हो गए कुछ नहीं पता है, तो उनको भी आप क्लियर कर लो। तो ये बहुत बड़ा तबका है जो इसमें कवर होगा। और एक चीज से छूट गई अपने से, जो वो पहले पार्ट में थी, वो थी 2010 में जीआर के दो हिस्से थे, वो जीआर के एक हिस्से में था रेट के बारे में, जो उन्होंने यहाँ पे अलग से मार्क कर अलग से चेंज करके, और उन्होंने दूसरा हिस्सा सेम टू सेम रखा, उन्होंने कहा है उसमें लाइन में कि दूसरा हिस्सा जो है वो एज इट इज रहेगा, तो वो दूसरा हिस्सा 2010 के हिसाब से था, उस वक्त लोगों ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करी नहीं थी, उसमें कहा था कि जिनके 12.5% स्कीम में जो पात्रता कट करी थी, उनकी एलिजिबिलिटी जो कट हुई थी, वो कट की लोगों को 1.5% FSI देने का उसने बात करा था। अच्छा। और उसमें एक बाद में एक लाइन जोड़ी है, बिकॉज ये ब्यूरोक्रेसी इतनी खतरनाक है ना, देना तो मतलब नेता देना चाहता है और ये देने जैसा दिखा देते हैं लेकिन देने देते नहीं है। उसमें एक लाइन है कि ये 1.5% FSI के लिमिट तक ही रहेगा। अच्छा। अभी जैसे जिस बंदे का कट हुआ है उसको 1.5% FSI तक आप दो, ओके, लेकिन 1.5% FSI तक वापरने, मतलब मराठी में लिखा है कि 1.5 चटई निर्देशांक पर्यंत वापरता येईल,
देना और यूज करना दो अलग चीज है, दो अलग चीज है, बिल्कुल। ओके, जैसे मुझे आप डेढ़ का ही दो, उसके लिए डेढ़ का लिमिट रखो देने के लिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मेरे पास एफएसआई है तो मैं एफएसआई बनाऊंगा किस पे? बिल्कुल। तो किसी के पास तो प्लॉट होगा उसके बनाऊंगा। बिल्कुल। तो जैसे आपके पास प्लॉट है और आपके पास प्लॉट है उस पर ऑलरेडी आपको डेढ़ का एफएसआई दिया है, तो आपके पास तो आपके डेढ़ के एफएसआई के हिसाब से आपने दो माले या तीन माले की बिल्डिंग बना दी, वो आपकी हो गई। ओके, अभी मेरा डेढ़ के एफएसआई है, मुझे आपके प्लॉट पे एडजस्ट करना है, तो आप तो वो तीन माले की जगह पांच माले का बनाओगे। बिल्कुल। तो लेकिन आपको भी अगर डेढ़ में ही लिमिट कर दिया, लिमिट कर दिया, तो आप तीन के ऊपर जा नहीं पाओगे, तो मैं एडजस्ट भी करने को जाऊं तो एडजस्ट नहीं होगा। तो ये चीज क्या है कि देना तो है लेकिन नहीं भी देना है, वो नाना वाली चाय हो गई। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीजें छूट रही है, मिसिंग है। तो हमारा वही कहना है कि हम तो फॉर्मल निवेदन दे रहे हैं, हमारा निवेदन ड्राफ्टिंग का काम चालू है, वो शायद आजकल में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सारे जो नेता हैं, मतलब माननीय एकनाथ शिंदे जी हो गए जिन्होंने ये चीज डिक्लेयर करी, या मुख्यमंत्री साहब हो गए, या शरद पवार जी हो गए, या मुख्य उप मुख्यमंत्री जी, सारे जो बड़े बड़े नेता है, नाना पटोले साहब से लेके, तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार के सारे नेता और जो नगर विकास के जो सचिव हैं, उन सब तक हम हमारे फॉर्मल निवेदन दे रहे हैं बाय सीइंग जो हमें दिखे हैं, तो हमें जो खामियां दिखी, तो वो हम कह रहे हैं कि ये चीजें जो भी थोड़ी सी धुंधली है, इन चीजों को आप क्लियर कर दो। हम नहीं कह रहे कि ये चीज नहीं है, हम मान रहे हैं कि चीज होगी लेकिन धुंधली दिख रही है, तो उसको आप थोड़ा क्लियरिटी लाके उसकी आप डिटेल गाइडलाइन अगर लेके आ जाते हैं तो हमें समझ में आएगा भाई ये हमारे कितने काम का है। और गाइडलाइन के बाद हम लोग फिर एकदम क्लियर हो जाए कि भाई ये गाइडलाइन अभी आ गई तो अभी उसके ऊपर एग्जीक्यूशन भी होना है। तो हम यही ऑप्शन दे रहे हैं सरकार को भी कि भाई एनएमसी के इलेक्शंस अभी सर पे हैं, हमने ऑप्शन दिया हुआ है, जो हमारा काम करेगा हम उसका प्रचार करेंगे। ये काफी बार सर आपके साथ भी इंटरव्यू में कहा है और काफी ओपन प्लेटफॉर्म में हम लोग ये 2017 से कहते हुए आ रहे हैं। तो हमें ये कहना है कि ये सिर्फ आप पेपर मत दिखाओ, ये जीआर आ गया ये अच्छी बात है, बड़ी बात है, मतलब आप सिर्फ ओरली बोलते हो उससे तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अभी एक कागज कागज दे दिया। अभी कागज के बाद में एग्जीक्यूशन जरूरी है, बिकॉज ऐसा कागज तो 2010 में भी था, तो नया कुछ हुआ नहीं है। तो इसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए गाइडलाइन, तो आने वाले 10-15 दिन में ये लोग गाइडलाइन फ्रीज आउट कर ले, वो गाइडलाइन चली जाएगी कलेक्टर के पास, एनएमसी कमिश्नर के पास, सड़कों के पास, तो हर किसी को अपना अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाएगा और हमारे पास उसकी कॉपी आ जाती है, तो हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप पे सड़कों को हिलाना है जगह से, तो हम जाके सड़कों की कुर्सी हिलाएंगे। हमें पता है कि सेकंड स्टेप में कलेक्टर के पास जाना है तो हम कलेक्टर की कुर्सी हिलाएंगे, बाद में हमें पता है कि एनएमसी के पास आना है तो एनएमसी की कुर्सी हिलाएंगे। तो हमें भी तो पता चले कौन क्या क्या और कब कब करना है। आपने आपने कहा 15 दिनों में जीआर आना, जो गाइडलाइन है उसकी आनी चाहिए। अभी हाल ही में चुनाव अगले इसी महीने में डिक्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में कुछ प्लानिंग चल रही है। अगर अगर ये 15 दिनों में चुनाव डिक्लेयर होते हैं तो जाहिर सी बात है तब तक ये पता नहीं गाइडलाइन आएगी कि नहीं आएगी। अगर नहीं आती है तो ऐसी कंडीशन में आपको आप क्या लग रहा है, क्या प्रकटकर्ताओं का मूड क्या होगा अगर गाइडलाइन नहीं आती है? कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगा सर इससे, कि इससे करना क्या, बिकॉज आप आज भी लोग वेट कर रहे हैं, मतलब आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बैनरबाजी हुई नहीं है। नहीं हुई है, बिल्कुल सही। अगर बड़े बड़े बैनर कुछ जगहों पे लगे हैं, नेताओं ने लगवाए हैं, लेकिन आप गांव गांव में जाके जो सारे जो छोटे नेता या जो गाँव के लेवल के जो नेता होते हैं, किसी ने कोई बैनर नहीं लगाया, क्योंकि वो असमंजस में है सर वो आज के तारीख में। तो उसे क्लैरिटी चाहिए, और हमने क्या है कि सब लोगों को, हमारी तो कोशिश ये होती है कि लोगों को जितना अवेयर कर सकते हो अवेयर कराओ। हम तो अभी हम मूवमेंट चालू कर रहे हैं अगले हफ्ते से, कि हम अभी एक ग्रॉस एक मीटिंग लेने वाले हैं नवी मुंबई स्तर पे, फिर हम हर गांव में जा जाके इस चीज में जो अस्पष्ट मुद्दे है, मतलब ये एटलीस्ट जीआर को पूरा समझाएंगे ताकि लोगों के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एंड देन उससे हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी जो गाजर दिखाना चाह रही है वो फेल हो जाए। हम नहीं चाहते कि ये गाजर बन के रह जाए, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप 15 दिन नहीं तो 10 दिन में कर लो। हमें पता है कि महीने भर में सर आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। और ये अराउंड 50,000 या उससे भी ज्यादा घर है सर यहाँ पे, बिल्कुल नवी मुंबई में। तो ऐसे सिचुएशन में हम भी मानते हैं कि कोई एक महीने में या दो महीने में कंप्लीट नहीं होगा, ये लंबा प्रोसेस है। लेकिन हम एक चीज का ऑफर कर रहे हैं उनको सर, मैंने उनको मेरी कल की इंटरव्यू में भी ऑफर किया था पत्रकार परिषद में, कि मेरा खुद का घर, मेरा घर सर एक करीबन 120 शायद मीटर में होगा, सो एक गुंठा आजू बाजू में, और वो G+1 का घर है सर, कोई ज्यादा सब जगह मेरे घर तीन साइड में सर लंबी जगह है, मतलब अच्छा। गाड़ियां पार्क कर सकते हो, पेड़ वेड़ लगाया हुआ है, अच्छा से घर मेंटेन करा है। लेकिन सर मेरे घर तक पहुंचने के लिए एक 50-60 मीटर का एरिया ऐसा है जहां पे आपको 3-4 फुट से गुजरना पड़ता है,
एक गली से गुजरते हुए, गुफा से गुजरते हुए मैं मेरे घर के आंगन में पहुंचता हूँ। तो मुझे ये कहना है कि एक मेरा घर रेगुलराइज कर लो। चलो मुश्किल है क्योंकि मेरे घर को रोड अप्रोच नहीं है, तो एक फिर भी एक सैंपल के तौर पर ऐसा घर ले लो कि मैं खुद का, मैं दूसरे का क्यों बताऊं, मैं अपना घर की बात करूं। तो एक मेरा घर आप पकड़ लीजिए सैंपल के तौर पर। मैं एक और घर देता हूं जो मुझे एक जमाने से मुझे बहुत प्यारा लगता आया है, मैं बहुत एडमायर करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि वो एक ऐसा घर भी है हमारे नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्त ने बनाया हुआ। वो है हमारे शिवसेना के जो जिला प्रमुख है द्वारकानाथ भोईर जी, उनका खुद का एक बहुत प्यारा सा बंगला है। इतना आप कभी भी गए हो देखा होगा, बहुत प्यारा बंगला है, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, रोड अप्रोच है, अच्छा सा आंगन है, पेड़ लगे हुए हैं, सारी चारों जगहों से सर उन्होंने जगह छोड़ी है जो प्रॉपरली जिसे परमिशन लेके एक आर्किटेक्ट प्लान बना के जो बनाता है ना, वैसा घर है। फर्क इतना ही है कि वो भी गर्जेपोटी है और उसकी वजह से वो परमिशन नहीं है उस घर पे, तो वो लेकिन क्लियर है। मतलब जैसे मेरे घर पे रोड अप्रोच नहीं है, उनके घर को रोड अप्रोच है, ओपन स्पेसेस राइटली छोड़े हुए हैं, हाइट रिस्ट्रिक्शन यूज किया हुआ नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे जो निकट में बैठेगा ना, सारा सेट एकदम मॉडल हाउस है जो कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो हम यही कह रहे थे दो घर आप नियमित कर लो। मेरा घर फिर भी सब टेक्निकली फिट नहीं हो रहा होगा नियमित होने में, तो द्वारकानाथ जी का तो पक्का होगा नियमित। तो आप उनका एक घर तो नियमित करो, मॉडल एक घर नियमित कर दिया अगले 10-15 दिन 20 दिन में बिफोर आचार संहिता, तो मुझे गारंटी है सारे लोग महाविकास आघाड़ी को सर पूरा वोट डाल के नक्की करेंगे। एक और चीज सर बताऊं कि आचार संहिता में डिसीजंस लेने में दिक्कत होती है। मतलब आप कोई नया डिसीजन नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इनको क्या करना चाहिए, गाइडलाइन, हाँ, आचार संहिता पहले गाइडलाइन तो कर दो, गाइडलाइन कर दो, तो उससे क्या होगा एग्जीक्यूशन के लिए कोई रुकेगा नहीं, कोई मतलब आचार संहिता लगने के बाद भी सिटी सर्वे वाले या जो कलेक्टर वाले जो वो काम चालू कर लेंगे, अपनी प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे, और जितना जल्दी वो अगर एक घर को रेगुलराइज कर दिया तो बिकॉज के हमें भी तो प्रचार करने के लिए टाइम चाहिए। एक मॉडल, मॉडल हाथ में आ गया ना, हम वो मॉडल लेके हर गाँव में और बोलेंगे इस बार हमने सब हर बार कहा हुआ है कि एक टर्म जो है ये हम महाविकास आघाड़ी को दे देंगे। एक आखिरी सवाल सर, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको लगता है कि ये महाविकास आघाड़ी और खासकर शिवसेना के लिए फायरबैक हो सकता है? ये हो सकता है, क्योंकि सर क्या अगर ये नहीं हुआ ना तो हम जितनी ताकत से उनका प्रचार करने की बात कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्या है कि ये तो एक हमारा नॉन कॉम्प्रोमाइज मुद्दा है जिसको हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन एनएमसी एरिया में सर बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, इसके अलावा भी मुद्दे हैं, और उसके चलते में नवी मुंबई की बहुत हानि हो रही है, नवी मुंबई की और नवी मुंबई के लोगों की हानि हो रही है। ऐसे काफी सारे इश्यूज को लेकर हम लोग आ रहे हैं आने वाले टाइम में, तो वो जब इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे या जो भी सारी चीजें करेंगे तो उसका डैमेज महाविकास आघाड़ी सरकार को होने की शंका है, और कुछ अच्छे चेहरे एनएमसी में जाने की जरूरत है, तो जब तब जाके नवी मुंबई के हित की बात होगी। तो ऐसे सिचुएशन में महाविकास आघाड़ी इस चीज को थोड़ा सीरियसली अगर ले लेती है तो मुझे हम फिर कहेंगे सर हम दुश्मन नहीं है उनके, हम विरोधक भी नहीं है उनके, तो हम चाहते हैं कि काम हो, हम ये बहुत ज्यादा चाहते हैं। नहीं हुआ तो फिर वो अपने हिसाब से मतलब पॉलिटिक्स करेंगे या निवडणूक जो भी इलेक्शन होंगे उसके सामने जाएंगे, हम हमारे हिसाब से इलेक्शन के सामने जाएंगे, इट इज लाइक दैट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जैसा कि आप सुन रहे थे जो आगरीपोली यूथ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट नीलेश पाटिल जी को, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया, और जो नए गौठान जी आर में जो अस्वस्थता नहीं है, जो क्लियरिटी नहीं दिख रही है कि भाई ऐसा होगा, क्योंकि ये दो पन्ने का जी आर है, दो पन्ने के जी आर से 35 सालों की जो समस्या का समाधान कैसे होगा इसकी स्पष्टता नहीं दिख रही है, और इसीलिए ये डिमांड है कि कम से कम 15 दिनों के भीतर, यानी अगर चुनाव अप्रैल में हो रहे हैं तो इसके 15 दिनों के भीतर ही, तो आचार संहिता लगने से पहले ही अगर इसकी गाइडलाइन आ जाती है, और किसी एक घर को अगर मॉडल के तौर पर अगर विकास किया जा सकता है तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा, और ये भरोसा भी इससे पैदा होगा कि वाकई जो महाविकास आघाड़ी सरकार है और जो नगर विकास मंत्री हैं वाकई प्रकल्पग्रस्तों का हित चाहते हैं और उनके लंबित समस्याओं का समाधान चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से सोचे। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।